इस सीजन की पहली बारिश है। ये व्यू हमारे बेडरूम से आ रहा है। ऑलराइट, सो ऑफिस से निकल चुके हैं। सुबह में क्या हालत थी और अभी सब पानी हो रखा है और हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो ये अभी इस सीजन की पहली बारिश है। आज 10-11 बजे रात को फिर से होने वाली है, बट अभी बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो गई है। चलो अच्छा है। बाकी ये पडल देखो, हर जगह यही हालत है अभी तो। ऑलराइट, सो पहुंच चुके हैं घर। आज रिसाइकल था बट हम लोगों ने बिन बार रखी नहीं, भूल गया मैं। सुबह रखनी थी मुझे, लेकिन भूल गया। अभी हमारा गराज डोर अच्छे से काम करने लगा है। फ्रेश हो जाते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेश होके नीचे आ चुका हूँ। अभी प्रोगीज बना रहे हैं हम। ये हमारी खुद की रेसिपी है। ये सब प्याज वगैरह मशरूम वगैरह डाल के सॉटे कर दिया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे ब्रोकली और प्रोगीज। चलो, ये यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया। मतलब मुझे भी नहीं पता क्या क्या डालने वाले हैं, तो सेफ बना रहे हैं तो अच्छा ही बनेगा। कलर ओरिजिनल तो नहीं, कितना मस्त है। और दूसरे सेफ भी आ चुके हैं हमारे घर में। ये देखो, मतलब एप्रोन पहन के बनाते हैं रोज, हर रोज एप्रोन तो पहनना ही है। मतलब चॉपिंग के लिए भी एप्रोन तो पहनना ही है, भले ही चॉपिंग करके छोड़ देना हो, कुछ बनाना नहीं हो, लेकिन एप्रोन पहन के ही काम करेंगे हम। तो ये अच्छी बात है, कपड़े ख़राब नहीं होते। बाकी मैं बहुत कपड़े ख़राब करता हूँ। तो यहाँ पे राइस बन रहे हैं और सब्जी बन रही है, राइस नहीं बन रहे हैं। तो सब्जी में आया है मटर और आलू। आलू मटर मतलब वही हुआ, आलू मटर की सब्जी और राइस। तो डिनर हमारा बन के अभी रेडी हो जाएगा जल्दी, तो 7 बजे खा के फ्रेश होके सो जाएंगे जल्दी। तो आज थोड़ा सा चटपटा सा खाने का मूड हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग प्रोगीज बना रहे हैं। और ये टायर देखो, धीरे धीरे और ज़्यादा नीचे जा रहा है। मतलब अभी हमारी जो लाइट्स थी वो लाइट्स भी बाहर आ गई है, उस साइड पर भी बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट हो रहा है। तो ठीक है, होपफुली जल्दी गायब हो जाए सब कुछ। और इस साइड पे तो अच्छा खासा निकल गया है। और 107 बज गए हैं, 6:51। मेरे पीछे देखो सनलाइट अभी भी है, मतलब सनसेट होने वाला है। वो इस साइड सन नहीं दिखता क्योंकि हमारे फ्रंट साइड पे सनसेट होता है। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं, अगर सनसेट देखने को मिले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि अभी बाहर पिंक स्काई दिख रहा है, कलरफुल। तो अभी आपको रियल सस्केचवान देखने को मिलेगा, लैंड ऑफ लिविंग स्काइज। ये देखो, बारिश हो रही थी अभी तो ये पिंक हो गया है। अभी कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा इतना अच्छा, बट मैं ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर सनसेट ना हुआ होगा तो अच्छा स्काई देखने को मिल सकता है। तो लकीली सनसेट हो ही रहा है, देखो 7 बजे। और ये है हमारा सस्केचवान, लैंड ऑफ लिविंग स्काइज। देखो, ये व्यू हमारे बेडरूम से आ रहा है। तो अभी डिनर करने बैठ जाते हैं। चलो, पूजा करनी बाकी है, वो अभी दूसरे बंदे को सौंप दिया हमने, और वो भाई अभी आराम फरमा रहे हैं। देखो, तो भाई उठ के आ चुके, अभी करेंगे पूजा। ये हमारा सैलेड बन के रेडी है, इसको ले जाते हैं और रखते हैं यहाँ पे। ये कीबोर्ड को रख देते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि डाइनिंग टेबल मल्टीपर्पज यूज होता है। यहाँ पे बैठ के जब मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है तब मैं भी यहाँ बैठ के काम करता हूँ, बाकी हर कोई यूज करता है इसको, वर्क प्लेस बना देता है। खाना भी यही खाते है, काम भी यही करते है, तो मल्टीपर्पज यूज होता है। तो इंडिया में भी यही हालत थी, इंडिया में भी हम लोग यही करते थे, मतलब डाइनिंग टेबल को वर्क प्लेस बना देते थे। और ये हमारा फाइनल वर्जन प्रोगीज का, बहुत ही यम है। और ये सब्जी, आलू मटर और राइस जो कि इसके अंदर है। ग्रोसरी लाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि
प्रयास खत्म होने वाले हैं। तो केले जब भी खत्म हो जाते हैं तब मतलब वो साइन है कि ग्रोसरी लेने जाना है। ऑलराइट, सो बैठ चुके हैं सब के सब टेबल पे, अभी डिनर करेंगे। कोई लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ रही है, अच्छी बात है। और अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा कम आएगा, मतलब एक महीने की बात है, उसके बाद एसी चलेगा पूरे घर में। तो वही का वही है सब हिसाब, इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, सब एक ही हिसाब होने वाला है, क्योंकि हीटर चलता है अभी, फिर उसके बाद एसी चलेगा। वैसे नए घर में अभी फर्नेस नेचुरल गैस से चलती है तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, पर जो ब्लोअर वगैरह जो उसके एचवैक सिस्टम हीट एक्सचेंजर वगैरह में जो लगती है इलेक्ट्रिसिटी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी ही होगी। और समर की बात करें तो समर में भी वही सेम चीज होगी और एसी चलेगा। वैसे अभी सारे घर सेंट्रल हीटेड और सेंट्रल एसी वाले ही होते हैं तो सर्कुलेशन अच्छा चलता रहता है घर में एचवैक सिस्टम की वजह से, तो वेंटिलेशन अच्छा होता रहेगा, तो एसी की जरूरत कम ही पड़ेगी ऐसा लगता है। बट वो तो फिर जब भी समर आता है तभी पता चलता है, क्योंकि जितनी ठंड पड़ती है उतनी जोर से गर्मी भी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे आके फील करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि गर्मी भी बहुत पड़ती है सस्केचवान में। चलो अभी डिनर कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अभी बज चुके हैं 9 और खाना पीना सब हो चुका है, तो अभी वीडियो एडिट करके अपलोड कर देता हूँ ताकि कल सुबह में आपको वीडियो मिल जाए, मतलब आप अगर इंडिया से देख रहे हो तो शाम को मिल जाए। तो ठीक है, अभी वीडियो एडिट करके अपलोड कर देते हैं और मिलते कल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।